त्रिपुरा नगर में राहुल गांधी ब्रिगेड के नांदेड़ जिला दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह साबिक वजीर डीपी सावंत ने रिबन काट कर किया। राहुल गांधी ब्रिगेड के नांदेड़ जिला सदर इमरान खान रईस खान को बनाया गया है। इमरान खान रईस खान के राबता दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में राहुल गांधी ब्रिगेड के कौमी नायब सदर संजय कुमार पांडे भी मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार, साबिक डिप्टी मेयर आनंद चौहान, विट्ठल पावड़े, साबिक डिप्टी मेयर शमीम अब्दुल्ला, साबिक चेयरमैन संगीता पाटिल डग, रहीम खान और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। इमरान खान रईस खान समाजी कामों में हमेशा सरगर्म रहते हैं। इनके साथ नौजवान कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। इमरान खान ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन मराठवाड़ा के सदर के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। इमरान खान ने आम शहरियों के मसाइल के हल के लिए पीरभरा नगर में राबता दफ्तर कायम किया है। इस मौके पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। आज नांदेड़ में ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। इस वक्त पर यहाँ पर श्रीमान पांडे जी जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष है उपस्थित है और ज़िले के अध्यक्ष हमारे इमरान भाई भी यहाँ पर उपस्थित है। महानगर अध्यक्ष हमारे माजी महापौर सत्तार भाई भी यहाँ पर है, शमीम भाई है, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। मुझे खुशी इस बात की है कि राहुल गांधी ब्रिगेड के ऑफिस यहाँ खुलने जा रहा है और राहुल गांधी जी के जो विचार है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, ये जो विचार जो है और जिस विचार पे उन्होंने 45 से लेकर 100 तक कांग्रेस की सीटें लोकसभा में बढ़ाई, उस विचार को आगे लेकर जाने के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा की चुनाव सामने है, तो इस मोहब्बत की दुकान को आगे लेकर जाने के लिए मुझे लगता है इमरान भाई और उनकी टीम अच्छी तरह से नांदेड़ में काम करेगी, नांदेड़ ज़िले में काम करेगी। आज देश में माहौल ऐसा है कि राहुल गांधी कुछ भी बोले तो उसका गलत अर्थ निकाल कर उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में राहुल गांधी ब्रिगेड का काम और जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है और मैं इमरान भाई को कहूँगा कि आप एक अच्छी टीम बनाएं और सभी लोगों को एजुकेट करें कि किस तरह से राहुल गांधी देश के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह निस्वार्थ भावना से आज वो काम कर रहे हैं, गोर गरीब के लिए काम कर रहे हैं। ये काम हमें ज़िले में बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना पड़ेगा तो ही जाके हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सत्ता है महाराष्ट्र में बनेगी और सही मानों में पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, दलितों को, सबको न्याय मिलेगा। ये काम सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं और इसलिए राहुल गांधी ब्रिगेड का मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है और ये जिम्मेदारी वे बखूबी निभाएंगे, इसका मुझे यकीन है। आज का जो प्रोग्राम था ये ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस का जिला कार्यालय खोलने के लिए था और यहाँ पर जो हमारे अतिथि इरफान भाई तो जो हैं वो तो जिला अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हुए हैं, साथ ही हमारे मुख्य अतिथि हमारे मिनिस्टर जी हैं, सभी लोग जो आए हैं पुलिस, इन लोगों का मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं ये इमरान भाई से कहना चाहूँगा कि ब्रिगेड को इतना मजबूत करो, ग्रास रूट तक लोगों को जोड़िए जिससे संगठन को हर स्टेट की तरह से बल मिले और आने वाले विधानसभा चुनावों में हर प्रत्याशी के लिए हमारा ब्रिगेड हर बूथ पर काम करे। आज जिस तरह से हमारे साथी इमरान भाई ने जो कार्यालय का उद्घाटन किए है, राहुल गांधी ब्रिगेड के हमारे जिम्मेदार दिल्ली से आए वाले मेहमान पांडे जी और हमारे माजी मंत्री खायद डीपी सावंत जी, मेरे साथी आनंद चौहान जी, मेरे साथी विट्ठल पौड़े जी, वाजिद भाई, शमीम अब्दुल्ला और जितने भी हमारे पिरबान के साथी जो आज कार्यालय का उद्घाटन हमारे खायद के हाथ से हुआ, मैं दिल की गहराई से इमरान भाई को पहले मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से हमारे नेता डीपी साहब ने बताया कि हमारे राहुल गांधी ने जो काम किए हैं भारत जोड़ो यात्रा में जो लेकर चले हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किए हैं, जो बता रहे हैं कि आज हमारे नेता ने बताया कि जो 45 खासदार थे अल्लाह के फजल से 101 खासदार आज हुए हैं, आज जिस तरह से परिस्थिति है और सर जिस तरह से अपने लोकसभा के इलेक्शन में इमरान भाई का काम बहुत अच्छा रहा, हम देखे हैं इमरान रात दिन जो हमारे साथ में रहकर एक काम किए और उनकी टीम त्रिपुरा में अच्छा काम किए और आगे भी जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन रही हैं और तुम्हारे महाविकास आघाड़ी कोई भी उम्मीदवार रही हैं तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि इमरान भाई एक्टिव रहो
और हमें ये जो यूपी सरकार को उखाड़ फेंकना है, देख रहे हैं आप किस तरह से तकलीफ दे रही हैं। और ये कार्यालय से मेरे को उम्मीद है कि इमरान भी एक अच्छी शुरुआत करिए, अच्छा काम किए, लोगों के दुख सुख में काम करिए। मैं उनके दिल के गहराई से उनको मुबारक देता हूँ और फिर एक बार हमारे आने वाले इस वक्तों में इस एरिए से हमारे इमरान भाई कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, इस तरह से उम्मीदवार रही हैं क्योंकि जो अच्छा काम करिए। और कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे डीपी साहब ने देखे हैं, 3 बार चुन के आए, उनका भी काम और हमारा भी काम कांग्रेस जिस तरह से करती है, सबको लेके चलने का काम करती है। और इंशाल्लाह आप इनका साथ दिए और इमरान भाई अच्छा काम करिए, ऐसी उम्मीद रख के अपने दुलस ख़त्म करता हूँ। खुदा मेहमान ख़ास तौर पे श्री संजय कुमार पांडे जी जो दिल्ली से आए हैं हमारे लिए एक कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, हमारे डीपी सावंत साहब माजी मंत्री और हमारे सत्तार भाई, हमारे शमीम अब्दुल्ला साहब, विठल पावड़े साहब, ये सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग आए और हमारे कार्यालय का उद्घाटन करें, और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।